काफ़ी खुश हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने, सपोर्ट करने यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा। जो फाइनल मुकाबला था वो निकटतम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध था, तो वो मैच को लेकर कुछ था, इसको लोग पहले ही से बना देते हैं एक भारत पाकिस्तान मुकाबला है। हाँ जी, देखो ये सब मैंने सोचा भी था कि ऐसा होता है, ये होता है, तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो बिल्कुल नहीं लिया कि ये सब है, बस अपना फोकस किया कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, और जो भी मैं अपना गोल टारगेट लेके चला था अचीव करना है वो मैंने अपना किया। उस लम्हे को बताएं, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर था और भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। देखो जी, उसको तो उस लम्हे को तो मैं कुछ मतलब शब्दों में बता ही नहीं सकता, वो तो मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, और आप रियो में, टोक्यो में 19-20 से मेडल से चूक गए थे, बिल्कुल 1 पॉइंट का फर्क था, कुछ सेकंड बाकी थे। वहां की चीज को पीछे करके यहाँ पे आके स्वर्ण पदक जीतना आपके लिए कितना वो महत्वपूर्ण था, वो दिमाग में चल रहा था कभी जब आपको थोड़े से चुके थे? देखो जी, वो दिमाग में बिल्कुल था मेरे को, क्योंकि आज ही के दिन 5 अगस्त को ही मैं 2021 5 अगस्त को ही मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गया था, कि मेरे को ये था कि आज भी 5 अगस्त है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, पर नहीं, वैसा कुछ नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बधाई दी है। बिल्कुल जी, देखो जी, इतने अच्छे तरीके से हमें बुलाया, इतना अच्छा सम्मान किया प्रधानमंत्री जी ने, तो हमें बहुत ही मतलब मोटिवेट किया कि कोई नहीं बेटे, ओलंपिक में चूक गए, हम अगली बार और अच्छा करेंगे, मतलब बड़ा मोटिवेट किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इतना वो कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें।